हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनिश सिन्हा और आप देख रहे हैं #Window। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि 12th पास को जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर 12th क्लास से रिलेटेड कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में किया कि मैं 12th पास हूँ, क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकता हूँ या फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इसी के बारे में आज डिटेल बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप 12th पास हैं तो आप बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे से ये बात पूछेंगे कि क्या आप जॉब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि पहले जो ग्रेजुएशन है अपना वो कम्प्लीट कर लीजिए और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का जॉब आप ट्राई कीजिएगा। ऐसा नहीं होता है कि आपका जॉब नहीं लगेगा डिजिटल मार्केटिंग में, बिल्कुल लग जाएगा। और कई सारी कंपनीज होती है जो कि 12th लेवल तक की हायरिंग भी कर लेते हैं, ये भी मैंने देखा हुआ है, मैं देख रहा था। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर आपने 12th में अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो उसमें क्या परेशानी होती है, जो सबसे परेशानी ये होती है कि आपका जो ग्रोथ है ना वो ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए, एक ना एक लेवल होता है सोच के, अगर वो सोच का अगर मैं लेवल की बात करूं तो वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। सिंपल ऑफ पेज एक्टिविटी करते रहेंगे और लगातार 3 से 4 साल तक आप ऑफ पेज एक्टिविटी ही करते रहेंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और जो आपका जो सैलरी है वो ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को लेके, बोलेंगे कि इसमें पैसा नहीं है, इसमें अर्निंग नहीं है, और ये 36 सवाल आपके दिमाग में चलता रहेगा। फिर आप बोलेंगे कि ये मेरा रॉन्ग डिसीजन था कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया। बेटर यही होगा कि अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, अपनी जितनी भी हायर क्वालिफिकेशन है वो कंटिन्यू रखिए, आप 12th पास किया है, डिजिटल मार्केटिंग कहीं ना कहीं से कोर्स कर लीजिए, साथ में ग्रेजुएशन करते रहिए, परसुइंग रहिए, और फिर आप ग्रो करते रहिए कि आपका 3 साल में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, फिर 2 साल में आप अपने अपना MBA कंप्लीट कर लिया। तो क्वालिफिकेशन आप अपना कंटिन्यू जारी रखिए, कॉरेस्पॉन्डेंस से करना है तो कॉरेस्पॉन्डेंस से कीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बट ये कि पढ़ाई आप छोड़ के आप सोच रहे हैं कि 12th क्लास के बाद आप अच्छा खासा ग्रो कर जाएंगे, तो फिर तो वो नहीं होने वाला। क्योंकि कोई चीज़ की भी मतलब आप कहीं भी जाएंगे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी आपका क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जाता है कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, कहीं कहीं पर आपके डॉक्यूमेंट भी मांगे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो लगातार अच्छी रहे और आप आगे ग्रो भी करो। क्या सबसे बड़ी मैंने जो अभी बात बोली आपको कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, सैलरी ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, आप फिर फ्रस्ट्रेटेड होगे, आपको कहीं और जॉब नहीं लगेगा। ऐसे लोग ही फिर आगे जाके ये बोलेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में का करियर ज़्यादा ऊपर नहीं है। देखिए, अभी बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा है, मैक्सिमम जगह पर घर से काम हो रहा है, तो आप मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ चुका है इन सब चीज़ों का, डिजिटल मार्केटिंग का। सबको अब ऑनलाइन फैसिलिटीज़ चाहिए, प्रिंट मीडिया आप देखे होंगे कि वो बंद हो गया, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग बंद नहीं हुआ। लोग घर से काम कर रहे हैं, वेबसाइट को रैंक करा रहे हैं और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो प्रिंट मीडिया कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है, बट डिजिटल मीडिया कभी भी अफेक्टेड नहीं होता। आप देखे होंगे न्यूज़ चैनल्स लगातार चल रहे हैं, पोस्ट आ रहे हैं, लोग पोस्टिंग्स कर रहे हैं। तो अगर आपको रियली डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना है तो जो अपनी क्वालिफिकेशन है वो अच्छी कर लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, अगर अच्छे क्वालिफिकेशन के साथ आप आगे जॉब परस्यू करते हो तो आप बहुत अच्छा पैसा यहाँ कमा सकते हो। आप अपना खुद का ब्लॉग भी बना सकते हो, खुद का अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट थोड़ा क्वालिफिकेशन पर आपको काम करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर कोई सवाल है आपको एजुकेशन से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।